ओके बच्चों, ये वीडियो स्पेशल ऑन डिमांड का है। किसी ने मुझे ये क्वेश्चन लिख के भेजा है, उनके टेक्स्ट बुक में होगा, मेरी टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो स्पेशल मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके अंदर ये क्वेश्चन है डेट इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल टू 5.6, BC इज इक्वल टू 3.1, CD इज इक्वल टू 7, AD इज इक्वल टू 6 एंड AC इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। इफ इट इज पॉसिबल देन गिव रीजन। सब ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ट्राई तो करें क्वाड्रिलेटरल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, उसके बाद हमें रीज़न है ना अपने आप ही पता चल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC करेंगे जो है 11 सेंटीमीटर। तो AC को हम 11 सेंटीमीटर कर लेते हैं। पहले AC जो है वो मेरा 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मैं AC के साथ जो B है, A के साथ B और C के साथ जो B है उसके डायमेंशन देखती हूँ, इंटरसेक्ट होते हैं कि नहीं होते। AB क्या है मेरा 5.6, तो पहले मैं 5.6 ले लेती हूँ इस तरीके से। ठीक है, AB मेरा है 5.6, चलो बड़ा सा आर्क कर लो। ओके, BC मेरा क्या है 3.1, देखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये दोनों इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहे। फाइन, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये क्वाड्रिलेटरल हम पॉसिबल कर ही नहीं सकते। ओके, क्यों? क्योंकि हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि ट्रायंगल कब कंस्ट्रक्ट हो सकता है। ये बेसिकली हम क्या कर रहे थे, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो मतलब ये दो साइड जो है, दो साइड मतलब कि 5.6 प्लस 3.1 जो है, डेट शुड बी ग्रेटर देन AC। ठीक है, तब भी जाके हम ये कर पाएंगे, वरना तो हम नहीं कर पाएंगे। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, देखिए क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, दो ट्राइंगल्स होते हैं, ये 1 और ये 2। मतलब दो ट्राइंगल अपनी कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी ही चाहिए ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें रीज़न हम वही देंगे डेट 5.6 प्लस 3.1 इज़ नॉट ग्रेटर दैन AC, हैंज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। ओके बच्चों, सो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बहुत सारे बच्चों को भी ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी, और मैं दूसरे सारे बच्चों को जो मेरे वीडियोस देखते हैं उन सबको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं जितना जल्दी हो सके उतना आपको मैं रिप्लाई दूंगी ही। ओके, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।